इस समुद्र में अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ हम लोग आया। अच्छा, अच्छा। अब फिर हम लोग पृथ्वी का पहला इंसान है। बोल बोल बोल। बढ़िया। उठो उठो जल्दी। अरे उठो उठो। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज को पिकनिक घूमने, वो भी परशुराम कुंड। हाँ, आप लोग शायद फिलहाल मेरे ब्लॉग देखे होंगे, तो उसमें मैं सिर्फ साइकिल में जाता हूँ, लेकिन परशुराम कुंड हम लोग गाड़ी में जाएंगे, साइकिल में नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पहले बता दूं आप लोगों को, वीडियो बनाने का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अच्छा झरना और नदी जैसे बोले दिखा सकता हूँ। आप लोगों को जैसे मैं बता दूं, हम लोग को घर से निकलने के लिए टाउन बहुत दूर है, उसका जर्नी मैंने दिखा ही नहीं, कभी फिलहाल और दिखाऊंगा। तो आप लोगों को अपडेट कह दूं कि मैं अपना टाउन पहुंच चुका हूं, इधर से गाड़ी आने वाला है, हम लोग का है जो इधर से गाड़ी आने वाला है और हम लोग जाने वाले हैं इधर। तो अभी हम लोग पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। वाक्रो ब्रिज पहुंच चुके हैं। वाक्रो ब्रिज। अभी सिर्फ आधा ही उठे हैं, हम लोग को उधर उठना है। ब्रेकफास्ट हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट ये पहाड़ पूरा ढक गया ना, पहाड़ पूरा ढक गया। उधर हम लोग को जाना नहीं है, उधर सियाल रहा। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट हो रहा है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। अभी हम लोग परशुराम कुंड के मंदिर उठने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग देंगे तो देखें। वीडियो में इतना कुछ बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि इसका परशुराम कुंड का मतलब ही इतना पता नहीं है, सिर्फ घूमने आए तो सिर्फ जगह ही दिखा सकूंगा। तो आप लोग को एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को दुकान ही दिखा सकूंगा। और ये रहा मंदिर जो हम लोग अभी शायद में पूजा करने आए हैं थोड़ी देर के लिए। हेलो गाइस, हम लोग अभी मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। ये बजाऊंगा मैं, ये रहा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत भीड़ है और अच्छा खासा नज़ारा है इसमें। मंदिर ये हो गया हम लोग का परशुराम कुंड का परशुराम मंदिर। तो शायद हम लोग के लिए ये लास्ट मंदिर होगा जो हम लोग यहाँ पे घुसेंगे।
हम लोग का एक पिकनिक स्पॉट पे, और जैसे देख पा रहे हैं ये रहा हम लोग का पहाड़, ये रहा हम लोग का पिकनिक का। सो गाइस पार्टी अभी शुरू हो गया है। इसका इसका लेग पीस का ले लो एक बार। लेग पीस ए आंख पहले दियो। ओ ये लेग पीस, हां लेग पीस दिखाई नहीं दे रहा है ये। हां तो हम लोग खा रहे हैं और उसके बाद इट्स माय लेग पीस, नॉट माय लेग पीस, एक्चुअली चिकन पीस इट इज, बट आई विल ईट। ओके ये सारा इतना सारा पत्थर, वो बहुत ही नज़ारा बहुत ही अच्छा है इसका। यहाँ पे आने से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक अच्छा जगह आप पत्थर पत्थर घूम सकते हैं, एक नीला सा नदी है, समुंदर नदी है वो, उसमें आप लोग घूम सकते हैं, और मंदिर बहुत अच्छा अच्छा है। समुंदर है यहाँ पे, समुंदर समुंदर का पाला है, नदी है, झरना है, बोलो सिर्फ हम लोग आया। फिर हम लोग पृथ्वी का पहला इंसान है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यहाँ मैं आप लोग देख रहे हैं जैसे पत्थर है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, और इसमें एक झरना है पानी है और नदी और नीला नीला कलर का जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा अच्छा पहाड़ है वो सब आप लोगों को दिखाई दिया है। यहाँ मैं आने से आप लोगों को और दिखाई देगा, मंदिर बहुत अच्छा है, इतना सारा मंदिर सारा अभी तक घूम पाया ही नहीं शायद मैं, जल्द भी घर जाना है। सो देखते हैं आगे, अब नीला नदी के पास जाएंगे और देखेंगे। बहुत ठंडा लग रहा है इसलिए मैं मास्क और टोपी को लगा लिया हूँ, ठंडा है, बहुत ही हवा दे रहा है, शायद आप लोग महसूस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस पॉली का आप लोग देखेंगे तो कितना ऊपर है, तो देखेंगे आप लोग अंदर कैसा है। ये रहा, हम लोग इसे जान ही नहीं पा रहे अच्छे से, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। मैं ये कह दूं आप लोगों को, नदी के पास आ चुके हैं हम लोग, जो झरना हम लोग को देखना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर से हम लोग गुजरना पड़ रहा है, तो बहुत वक्त लग रहा है। बढ़िया उठो उठो जल्दी, अरे उठो उठो। सो गाइस जो मैं नदी का झरना नदी का बात किया था, जिक्र किया था, वो नदी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा ये रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये नदी, थोड़ा आप लोग ग्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये रहा झरना और ये रहा एक अच्छा अच्छा खास वाला पत्थर, यहाँ से देखेंगे उधर से आप लोग को दिखाई देगा, उधर से लोग उतरते हैं नहाने के लिए, हम लोग का साथ आया हुआ सार है वो लोग का ब्रिज। पहले बता दूं आप लोग को, वीडियो बनाने का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक अच्छा झरना और नदी जैसे बोले दिखा सकता हूँ, जो साथ एक सार के साथ मिलके। अगर आप लोग इस जगह पे आए होंगे तो पहले देखे होंगे, वरना इस वीडियो में शायद पहले देख रहे होंगे। तो कैसा लगा आप लोगों का ये नज़ारा, इसमें सिर्फ एक कॉमेंट कर दीजिएगा तो आप लोगों का बहुत ही मेहरबानी। जो भी आता है इसमें मंदिर में स्नान करने के लिए, तो वो उधर से नाम के स्नान करता होगा। हाँ मुझे तो पता नहीं है, ये रहा सर सर